हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है सोनू, मेरे चैनल सोनू मोटर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक के गियर बक्से को खोलने वाले हैं। इस गियर बॉक्स को गाड़ी के अंदर से खोल लिया है। अब गियर को बाहर निकालने के बाद सबसे पहले इस कपलिंग के नट को बाहर निकाल के कपलिंग को बाहर निकाल लेंगे। हांडी के नट को खोलने से पहले इस किलोमीटर की गिरारी को खोल के बाहर निकाल लेंगे। इस गियर के हांडी को निकालने के लिए इस नट को खोलना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस गियर बॉक्स की फिटिंग को हम तीन भाग में दिखाने वाले हैं। पहले भाग में गियर बॉक्स की खोलने की विधि के बारे में दिखाएंगे और वीडियो के दूसरे भाग में मेन शाफ्ट की फिटिंग के बारे में और तीसरे भाग में गियर बक्से की कंप्लीट फिटिंग। गियर बॉक्स की ये पिछली हैंडी को 14 नंबर की गोटी की मदद से इस सारे बोल्ट को खोल लेंगे। खोलने के बाद इस बैक वाली हैंडी को बाहर निकालेंगे। पीछे की इस हांडी को बड़ी आराम से बाहर निकाल लेंगे। हांडी निकल गई है। अब इस रूलर बैरिंग की गोलियों को एक एक करके बाहर निकालेंगे। गियर बॉक्स के आगे की साइड से इस क्लच बैरिंग और चिमटे को बाहर निकाल के इस हाउसिंग के बोल्ट को खोलेंगे। हाउसिंग के बोल्ट को खोल दिया है। अब इस हाउसिंग को बाहर निकालेंगे। इस गियर हाउसिंग को बाहर निकाल दिया है। अब उसके बाद इस चिलम प्लेट को 13 नंबर के बोल्ट को खोल के इस चिलम प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। प्लेट को बाहर निकालने के बाद इसके टॉप के बैरिंग के लॉक को निकालेंगे। एलकी की मदद से इस बंसरी के दोनों बोल्ट को खोल के बाहर निकाल देंगे। इस दोनों बोल्टों के अंदर गोली और स्प्रिंग होती है। बंसरी के नट को खोलने के बाद अब इस बीच वाले प्लेट को बाहर निकालेंगे। साथ में कंप्लीट गुच्छा बाहर निकल जाएगा। गुच्छे को बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद इस फोरक के चीरा पिन को बाहर निकालेंगे। फोरक के चीरा पिन निकालने के बाद इस गिरारी पे चोट मार के इस गिरारी को बाहर निकालेंगे। गिरारी पे चोट इस प्रकार से मारें कि दांते पे कोई चोट ना लगे, नहीं तो दांता टूट सकता है।
और साथ ही 14 नंबर बोर्ड को खोल के इस बैग के पिन को बाहर निकाल लेंगे ताकि आगे के साइड से बैग की गिरारी आराम से निकल सके। बैग की गिरारी को निकाल दिया है, एक एक करके इन चीरा पिन को निकाल के इस गियर शिफ्टर को बाहर निकाल लेंगे। सारे गियर शिफ्टर निकल चुके हैं, गिरारी को बाहर निकाल के अब इस मेन शाफ्ट पे फिटिंग इस प्लेट के सारे बेल्ट बोल्टों को खोल के इस प्लेट को बाहर निकालेंगे। इन 12 बोल्टों को खोल के इस प्लेट को बाहर निकालेंगे। प्लेट को निकालने के बाद इस मेन शाफ्ट की बैरिंग के लॉक को भी बाहर निकालेंगे। लॉक निकालने के बाद इस काउंटर की बैरिंग को निकालेंगे ताकि हमारा मेन शाफ्ट आराम से निकल सके। इस बैरिंग को बाहर निकाल के इस काउंटर को बाहर निकाल के साइड में रख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद इस तीसरे चौथे के फोरक के चीरा पिन को बाहर निकालेंगे। उसके बाद इस मेन शाफ्ट पर लगे इस लॉक को भी बाहर निकाल के इस गिरारी को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इस गियर में बहुत ही जंग लगा हुआ है, इस जंग के कारण तकरीबन सारे सामान इसे कटे हुए हैं, गिरारी बैरिंग सब कुछ मेन शाफ्ट। अब बैरिंग पे हल्का चोट मार के इस मेन शाफ्ट को बाहर निकालेंगे। मेन शाफ्ट के साथ इस गुच्छे को बाहर निकाल लेंगे जिसमें पहले और दूसरे गिरारी लगी हुई है। मेन शाफ्ट के बैरिंग को निकाल के उसके बाद इस गिरारी को बाहर निकाल लेंगे। अब एक एक करके इन गिरारियों को बाहर निकाल लेंगे। गिरारी निकालने के बाद इस कंगन बैरिंग को भी बाहर निकालेंगे। कंगन बैरिंग के बाद इस बैरिंग के ऊपर लगे स्लीव को भी बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बोलेरो मैक्सी ट्रक गियरबॉक्स की खोलने की विधि कंप्लीट हुई। अब गियरबॉक्स के दूसरे भाग में हम सामान को नया ला के उसके बाद इस मेन शाफ्ट की फिटिंग को करेंगे।